बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लोग DSL या ADSL ब्रॉडबैंड की जो मेरे पास मेन ब्राउज़र में एडमिन यूज़र एडमिन पासवर्ड होते हैं तो उन्हें चेंज कैसे करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे आजकल DSL में या ADSL में यूज़र नेम एडमिन होते हैं, पासवर्ड उसी DSL के बैक एंड के ऊपर वहाँ पे इन्होंने पासवर्ड भी अभी आसान की होती है, जो कि पहले यहाँ पे एडमिन यूज़र और एडमिन पासवर्ड होया करता था। तो देखते हैं यहाँ पे DSL को कैसे एक्सेस करते हैं। अब DSL को एक्सेस करने के लिए उसकी IP को पहले जानते हैं। IP कहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर आएँ, राइट क्लिक कर ले, ओपन नेटवर्क कनेक्शन सेंटर में आ जाए। यहाँ पे हमारे पास चेंज एडाप्टर सेटिंग में आ जाए, इसके बाद डबल क्लिक कर ले या डिटेल्स में आ जाए। गेटवे देख रहे, IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 आपको मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पे इन्हें चेक करने के लिए आप थ्रू CMD भी कर सकते हैं, CMD टाइप कर ले, इंटर करके यहाँ पे IP कन्फिग इंटर कर ले। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट एडाप्टर, इतने डॉक्टर मेरे पास IP एड्रेस है 192.168.10.2। डिफ़ॉल्ट गेट वे मेरे पास जो आ रही है 192.168.10.1। डिफ़ॉल्ट गेट वे है मेरे पास, ये मेरे पास DSL हुई, क्योंकि जितनी भी ट्रैफिक बाहर से आ रही है किस गेट के थ्रू आ रही है, किस गेट से होके आ रही है, DSL के थ्रू आ रही है। मेरे से जो ट्रैफिक जा रही है वो सारी DSL के थ्रू जा रही है, तो मेन गेट जो हम लोग की यहाँ पर वो DSL ही है। तो इन्हें एक्सेस करते हैं। आप यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर ले और इसमें यहाँ पे 192.168.10.1 टाइप कर ले, इंटर कर ले। इसमें मैंने इसकी यूज़र पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सेव पड़ी है, ठीक है। पहले आपके पास क्या हुआ करता था, एडमिन आया करता था, और उससे पहले आप क्या था, एडमिन PTCL, एडमिन 123, कुछ मास्टर्स इसके आपके पास होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ आपके पास यहाँ पे मास्टर यूज़र एंड पासवर्ड होते हैं, ऐसे एडमिन यूज़र नेम देन पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड भी एडमिन में करता था, राउटर पासवर्ड भी राउटर में करता था, पासवर्ड वगैरह करता था, ठीक है। और एडमिन PTCL इन्होंने पहले यहाँ पर पासवर्ड दी थी, ठीक है। PTCL यूज़र PTCL पासवर्ड था, ठीक। एडमिन 1234 किसी ने 5 भी रखा हो यहाँ पे। उसके बाद एक्सेस, ठीक है। कुछ ऐसे मास्टर यूज़र पासवर्ड रखे होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में, मैंने इस IP के थ्रू एक्सेस कर ली, एडमिन यूज़र है, पासवर्ड मैंने चेंज की इसकी। जो पासवर्ड इसकी मिली थी वो आपके पास DSL के बैक एंड में, DSL आपके पास है PTCL DSL बैक साइड के पास यहाँ पे कोई स्टिकर होगा, उसमें लिखा होगा, ये बैक साइड के पास है, यहाँ पे देखिए ना, बैक साइड के पास यूज़र नेम एडमिन देन पासवर्ड, यहाँ पे SSID कहते हैं आपकी PTCL, सॉरी वाईफाई का जो आप यूज़र नेम है वो PTCL डैश या -BB, और WPA जो पासवर्ड है इसकी वो यहाँ पे, इसे यहाँ पे पास प्रेस भी कहते हैं, पास कोड भी कहते हैं, पासवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसे यहाँ की स्ट्रिंग भी कहते हैं, वाईफाई आपके पास या WPA की भी है। तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एडवांस आ रही है, ये ADSL है। लेफ्ट पैनल के ऊपर मेरे पास लास्ट में मैनेजमेंट आ रही है, मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर ले, नज़र आ रहे हैं तुमको, मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर ले। इस मैनेजमेंट में हमारे पास है लास्ट में एक्सेस कंट्रोल में मैंने इसका यूज़र नेम जो एडमिन वो चेंज नहीं किया मैंने,
यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास यूज़र नेम क्या था, एडमिन था। ओल्ड पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, जो पुराना पासवर्ड आपके पास, जो आपके साथ डीएसएल बैकसाइड के ऊपर लिखी गई हो, ये पासवर्ड, ये पासवर्ड दोगे, देन आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड टाइप करोगे। ये जो दो आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए जो पासवर्ड ऊपर दिए, सेम वही पासवर्ड नीचे दोगे, अप्लाई कर लो। इसे अप्लाई करने के बाद जस्ट एक बार नहीं ऐसे रिबूट कर ले। जब इसे यहाँ पे रिबूट करोगे तो उसके बाद जब आप इसे एक्सेस करोगे तो आप इन्हें यूज़र ने जो भी था आपके पास एडमिन था और यहाँ के पास पासवर्ड चेंज हो गया होगा, ठीक। इसके दो वीडियोस मैंने पहले भी ओके थे बनाए थे, आप लोगों ने चेक कर लें सीसीआई एकेडमी चैनल के ऊपर। मेरे ख्याल से इंटरनेट के नाम से प्लेलिस्ट मैंने डिज़ाइन की थी, ये आप यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हो, ठीक मेरे भाई। हाउ टू चेंज पीटीसीएल डीएसएल एसआईडी एंड वाईफाई पासवर्ड, हाउ टू एक्सेस पीटीसीएल ब्रॉडबैंड थ्रू ब्राउज़र एनी ब्राउज़र, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।